व्हाट्स अप गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप आईफोन की तरह स्लो एंड फास्ट मोशन में अपनी वीडियो को एडिट करेंगे। और मैं 110% लिख के देता हूँ कि जो भी भाई इस वाली वीडियो को ना शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा, वो भी अपनी वीडियो को स्लो एंड फास्ट मोशन में ऐसे चुटकियों में एडिट कर लेगा। और मैं ऐसे हवा हवाई में बात नहीं कर रहा हूँ, विद प्रूफ के साथ मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। और मैंने इस वाले वीडियो को ना 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वीडियो को स्लो एंड फास्ट मोशन में कन्वर्ट करेंगे, और दूसरे स्टेप में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी वीडियो को ना आईफोन फिल्टर में कन्वर्ट करेंगे, और तीसरे स्टेप में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वीडियो के अंदर से की इफेक्ट को ऐड करेंगे। और ये सारी चीजें आपका भाई बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला है, तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो व्हाट्स अप गाइस, उस टाइप की वीडियो को एडिट करने के लिए सिंपल से आप लोग को 2 ऐपों की जरूरत पड़ने वाली है। पहले ऐप का नाम है सुपर वीपीएन और दूसरे ऐप का नाम है कैपकट, और इन्हीं दोनों ऐपों से हम लोग एडिटिंग को करने वाले हैं। और इन दोनों ऐपों को आपको कहां से डाउनलोड करना आगे आपका भाई बता देगा, तो वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, सुपर वीपीएन ऐप को ना यहां से आपको ऐसे ओपन करना होगा। जैसे ही आप सुपर वीपीएन ऐप को ओपन करेंगे तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा, एक ऐड आएगा, तो आप इसे देखकर ऐसे यहां से स्किप कर दीजिएगा। और कर लेने के बाद यहां पे कनेक्ट के आइकन पे आप क्लिक करके अपने वीपीएन को फोन के साथ कनेक्ट कर लीजिएगा। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो ऊपर साइड में आपको वीपीएन देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं हम लोग का वीपीएन यहां पे कनेक्ट हो चुका। तो गाइस यही था हम लोग का पहला स्टेप। और दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे ना, अपने वीडियो को एडिट करेंगे कैपकट ऐप से। तो सिंपल से हम लोग यहां पे क्या करेंगे, कैपकट ऐप को यहां से ओपन कर लेंगे। देन दोस्तों, जैसे ही आप इस वाले ऐप को ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिलेगा। और काफी भाई ऐप का नाम सुनकर ही ना भाग जाते, लेकिन आपका भाई सारी चीजें बताने वाला एक एक स्टेप बहुत ही सिंपल तरीके से। तो वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से लास्ट तक देख लीजिएगा, आप कंप्लीट एडिटिंग सीख जाएंगे। सिंपल से आप लोग को न्यू प्रोजेक्ट के आइकन पे ऐसे क्लिक करना होगा। देन दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपकी गैलरी की सारी वीडियोज यहां पे शो हो जाएंगी। तो आप जिस भी वीडियो को एडिट करना चाहते उसे आप ऐसे सिलेक्ट करके और सिंपल से नीचे साइड में ऐड क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। लीजिए गाइस, हम लोग का वीडियो तो अपने कैपकट ऐप के टाइमलाइन पे आ चुका है। लेकिन गाइस, सबसे पहला स्टेप आप लोग का यहां पे ये होने वाला है कि आप लोग को ऐसे स्क्रॉल करके लास्ट में आके यहां पे कैपकट का एक लोगो मिल जाता है। तो इसे आप ऐसे सिलेक्ट करके और नीचे साइड में एक डिलीट का आइकन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करके डिलीट कर दीजिएगा। देन दोस्तों, इसके बाद आप अपने वीडियो वाले लेयर पे ऐसे क्लिक करना होगा, और कर लेने के बाद ऐसे नीचे साइड में स्क्रॉल करके और इसके वॉल्यूम के आइकन पे क्लिक करके वॉल्यूम को 0% करके और राइट क्लिक कर देना होगा। गाइस, अगर आप यहां तक वीडियो को देख लिए हैं तो सबसे पहले स्टेप में मैं आप लोग को यह बताऊंगा कि कैसे आप अपने वीडियो को स्लो एंड फास्ट मोशन में कन्वर्ट करेंगे। देन दोस्तों, उसके बाद आपका दूसरे स्टेप में भाई आपका यह बताएगा कि कैसे आप अपने वीडियो को ना आईफोन फिल्टर में मतलब कन्वर्ट करेंगे, अपने वीडियो के अंदर आईफोन फिल्टर को यूज करेंगे। और तीसरे स्टेप में आपका भाई ये बताएगा कि कैसे आप ना अपने वीडियो के अंदर इफेक्ट को ऐड करेंगे, जैसे कि इफेक्ट जो भी इफेक्ट होता है। तो तीनों स्टेपों को आप अच्छे तरीके से देखिएगा। तो सबसे पहले स्टेप के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी वीडियो को कटिंग करेंगे। तो अपनी वीडियो को हम लोग ऐसे चलाएंगे, तो यहां से हम लोग का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, यहां से अपने वीडियो वाले लेयर पे ऐसे क्लिक करूंगा और नीचे साइड में स्प्लिट के आइकन पे ऐसे क्लिक करके और आगे वाला जो फालतू पार्ट हम लोग को ना उस हम लोग ऐसा सिलेक्ट करके और नीचे साइड में डिलीट के आइकन पे क्लिक करके डिलीट कर देंगे। और सेम प्रोसेस ऐसे हम लास्ट में आएंगे, देख सकते हैं यहां पे हम लोग का वीडियो थोड़ा सा फालतू है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से हम लोग को वीडियो को लेना है, काट के हटाना है लास्ट वाला। तो अपने वीडियो वाले लेयर पे ऐसे क्लिक करूंगा, स्प्लिट के आइकन पे क्लिक करके और इस वाले क्लिप को सिलेक्ट करके डिलीट के आइकन पे क्लिक करके डिलीट कर दूंगा। तो लीजिए गाइस, हम लोग का केवल वीडियो यहां पे फ्रेश बचा है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्लो एंड फास्ट मोशन में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल आईफोन के जैसा। वीडियो को अच्छे तरीके से अब यहां पे आप लोग देखिएगा। सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा सा आगे आएंगे और यहां पे हम लोग अपनी वीडियो को स्लोमो में डालना चाहते हैं यहां पे। तो क्या करेंगे, हम लोग अपनी वीडियो वाले लेयर पे ऐसे क्लिक करके थोड़ा सा अपने दोनों फिंगर से पकड़ के फैला लेंगे और नीचे साइड में स्प्लिट के आइकन पे क्लिक करके थोड़ा सा ऐसे हम लोग आगे आएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। और आगे आने के बाद अगेन आप लोग को स्प्लिट क्लिक कर देना होगा। देन दोस्तों, अगेन आप लोग को ऐसे आगे आना होगा इतना। और आगे आने के बाद ना अगेन आप लोग को क्या करना होगा, स्प्लिट के आइकन पे क्लिक करके थोड़ा सा आगे आइएगा और अगेन आप लोग स्प्लिट कर दीजिएगा। देन दोस्तों, ऐसे आप दोनों फिंगर से पकड़ के वीडियो को जूम कर लीजिएगा, फैला लीजिएगा। और जो छोटा
छोटा सा क्लिप आप लोग का बीच में दिख रहा है ना, इसे आप लोग ऐसे सिलेक्ट कीजिएगा और कर लेने के बाद नीचे साइड में आपको स्पीड के आइकन पे क्लिक करके, नॉर्मल वाले पे क्लिक करके इसकी ड्यूरेशन को हम लोग यहां से क्या कर देंगे 0.1x करके, और नीचे साइड में ना आप यहां पे वीडियो को अच्छे से देखिएगा तभी आप ना अल्ट्रा स्मूथ स्लोमो कर सकते हैं। नीचे साइड में पिच के आइकन पे क्लिक कर देंगे, मेक इट स्मूथर पे आप लोग ऐसे क्लिक करके बेटर क्वालिटी पे क्लिक करके राइट क्लिक कर दीजिएगा। देन दोस्तों ये वाला करते ही सेटिंग ना आपका वीडियो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेने लगेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम गाइज लग जाएगा, आप अपने मोबाइल डाटा को ऑन रखिएगा तभी आप ये सारी चीजें कर पाएंगे। जब ये 100% हो जाएगा तब मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाऊंगा, आप लोग देख के शॉक्ड हो जाएंगे। ये वाला क्लिप तो हम लोग का अल्ट्रा स्लोमो में हो जाएगा, उससे पहले मैं आप लोग को प्रीव्यू दिखाऊं, उससे पहले मैं क्या करूंगा ऐसे आगे आके, और ये जो छोटा सा क्लिप हम लोगों ने अगेन काटा है दूसरी बार, इसे भी हम लोग ऐसे सिलेक्ट करेंगे, स्पीड के आइकन पे जाएंगे, नॉर्मल पे क्लिक करके इसे भी हम लोग ऐसे कम करके, इसे भी हम लोग 0.1x करके पिच वाले पे टिक कर देंगे, और इस पे टाइप करके बेटर क्वालिटी पे करके राइट क्लिक कर देंगे, और कर लेने के बाद इसे भी 100% हो जाने दीजिए। फिर आगे का प्रोसेस मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूं, आपका भाई एक एक स्टेप अच्छे तरीके से बताएगा, तो वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। तो लीजिएगा ये हम लोग का 100% हो चुका है, तो मैं वीडियो को ऐसे दोनों फिंगर से पकड़ के छोटा कर लूंगा, और कर लेने के बाद सिंपल से मैं ऐसे स्क्रॉल करके शुरू में आके, और अब मैं वीडियो को चला के दिखाता हूँ कि हम लोग का वीडियो किस टाइप से बना है। तो लीजिए मैं यहाँ पे हम लोग का वीडियो फास्ट है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हम लोग का वीडियो काफी अल्ट्रा स्लोमो में हुआ है, फिर यहाँ पे फास्ट है, और फिर यहाँ पे अल्ट्रा स्लोमो में हम लोग का वीडियो हो चुका है। बिल्कुल वीडियो ना आपका देख सकते हैं जैसे आईफोन में आपका स्लोमो होता है ना, सेम ऐसा ही हो गया है, और आपका वीडियो देखने में काफी ओसम एंड फारसी दिख रहा है। तो ऐसे आप भी अपने वीडियो को कर सकते हैं। तो गाइज ऐसे आप लोग को तो वीडियो को आपका स्लोमो में हो जाएगा, लेकिन गाइज अभी हम लोग का ये वीडियो ना कंप्लीट एडिटिंग नहीं हुआ है, इसके बाद आपका भाई ये भी बताने वाला कि कैसे आप अपनी वीडियो के अंदर आईफोन फिल्टर को यूज करेंगे, साथ ही कैसे आप शेकी इफेक्ट को भी यूज करेंगे, सारी चीजें आपका भाई बताएगा, तो वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। तो सिंपल से हम लोग का पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आप लोगों को स्लो एंड फास्ट मोशन में वीडियो को करना बता दिया है, और दूसरे स्टेप में मैं आप लोग को यह बता दूं कि कैसे आईफोन फिल्टर को आप अपनी वीडियो के साथ यूज करेंगे। तो उसको करने के लिए सिंपल से आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा, किसी भी एक क्लिप को आप लोगों को ऐसे सिलेक्ट कर लेना हो, जैसे कि मैं इस वाले क्लिप को ऐसे सिलेक्ट कर लिया हूं, और यहां से मैं ऐसे बैक आ जाऊंगा, और बैक आने के बाद आप लोग को नीचे साइड में ऐसे स्क्रॉल करना होगा, और कर लेने के बाद वीडियो को अच्छे तरीके से आप देखिएगा, फिल्टर के आइकन पे आप ऐसे क्लिक कर लीजिएगा। देन दोस्तों यहां पे आपको एडजस्ट वाले आइकन पे क्लिक करना होगा, और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कंट्रास्ट को ऐसे सिलेक्ट करके इसकी कंट्रास्ट की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके -12 कर देंगे, एक्सपोजर के आइकन पे क्लिक करके और इसकी एक्सपोजर की वैल्यू हम लोग ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में यहां से ना हम लोग 10% कर लेंगे। देन दोस्तों वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखिएगा, इसके बाद शार्पनिंग की वैल्यू को सिलेक्ट करके इसकी भी जो होता है ना शार्पनिंग को हम लोग 10% कर लेंगे। मेन पॉइंट आता है HSL के आइकन पे आप ऐसे क्लिक कीजिएगा। देन दोस्तों कर लेने के बाद ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके इसकी सैचुरेशन की वैल्यू इंक्रीज करके 100% करना होगा, और इसकी ह्यू की वैल्यू आप लोग ऐसे ना इंक्रीज करके 71-72% कर दीजिएगा। और इसके बाद आपको सिंपल से क्या करना होगा, येलो कलर को सिलेक्ट करके इसकी भी ह्यू की वैल्यू ऐसे इंक्रीज करके 38% कर लीजिएगा, और फेस वाले कलर को सिलेक्ट करके इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू इंक्रीज करके 100% कर दीजिएगा, रेड कलर को सिलेक्ट करके इसकी भी ल्यूमिनेंस की वैल्यू इंक्रीज करके 100% कर दीजिएगा, और सिंपल से ब्लू कलर को सिलेक्ट करके सैचुरेशन की वैल्यू इंक्रीज करके 100% कर दीजिएगा। और यह सारी सेटिंग कर लेने के बाद आगे आपको ऐसे स्क्रॉल करके आना होगा शैडो वाले में, शैडो में आके इसकी शैडो की वैल्यू आप इंक्रीज करके 8% कर लीजिएगा, टेंप की वैल्यू इंक्रीज लेके ना सिलेक्ट टेंप की टेंप को सिलेक्ट करके इसकी जो होता है ना टेंप की वैल्यू हम लोग ऐसे माइनस साइड में 10% करके, और सिंपल यहां से हम लोग राइट क्लिक कर देंगे, और राइट क्लिक कर लेने के बाद ना सिंपल से आप लोग को क्या करना होगा, इस वाले क्लिप को ऐसे पकड़ के पूरा वीडियो के बराबर कर देना होगा, और ऐसे पकड़ के खींच के पूरा वीडियो के बराबर कर दीजिएगा, आपकी पूरे वीडियो के अंदर एक ही बार में ना ये वाला इफेक्ट लग जाएगा आईफोन वाला, जो देख सकते हैं हम लोग का वीडियो काफी अल्ट्रा स्लो एंड फास्ट मोशन में हो चुका है, जो देखने में काफी ओसम एंड फारसी दिख रही है। तो ऐसे आप भी अपनी वीडियो को बना सकते हैं जो देखने में काफी ओसम एंड फारसी दिख रही है। तो इसके बाद गाइस आप लोगों का इतना सारा काम तो हो चुका है, यहां पे हम लोग पूरा ऐसे फैला लेते हैं।
और कर लेने के बाद आपका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। तीसरे स्टेप में हम अपने वीडियो के अंदर स्टिकी इफेक्ट को ऐड करने वाले हैं। तो उसके लिए हम अपने वीडियो वाले क्लिप को ऐसे सिलेक्ट करेंगे और कर लेने के बाद नीचे साइड में आपको एनिमेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। तो एनिमेशन वाले आइकन पे आप ऐसे टाइप कर दीजिएगा और थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा। आप अपने मोबाइल डाटा को ऑन रखिएगा तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। कर लेने के बाद यहाँ पे इनके आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा और ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा और आप लोग के सामने यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे एक रॉक करके इफेक्ट है तो रॉक वाले पे ऐसे आप टाइप कर दीजिएगा और इसे आप जितना बढ़ाना चाहते बढ़ा लीजिएगा। मैं यहाँ पे इतना बढ़ा लेता हूँ और सिंपल से मैं ऐसे आगे आऊंगा और इस वाले क्लिप में भी सेम मैं एनिमेशन में आके इन वाले पे क्लिक करके यहाँ पे रॉक वाले को अप्लाई कर देता हूँ और देख सकते ये इफेक्ट हम लोग का कैसा आएगा। यहाँ पे ऐसे रहेगा और यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपका इफेक्ट लग जाएगा और देखने में काफ़ी ओसम भी लग रहा है। देख सकते हैं हम लोग का पूरा वीडियो तो एडिट हो चुका है, लेकिन गाइस अपने वीडियो के अंदर हम लोगों ने म्यूजिक को ऐड नहीं किया है। अगर आप उसे अपने मनपसंद म्यूजिक को ऐड करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जो भी मतलब म्यूजिक ट्रेंडिंग में है उसी म्यूजिक पे आप अपने वीडियो को डाल के मतलब अपलोड कर दीजिएगा, आपका रील्स वायरल हो जाएगा। आपका भाई सारी प्रोसेस तो बता दिया, लेकिन गाइस अगर आप अपने वीडियो को फुल एचडी में एक्सपोर्ट करना चाहते हो वो कैसे करना, चलिए आपका भाई बताता है। तो उसके लिए आपको ऊपर साइड में 1080p पे क्लिक करके इसे आप 4K कर लीजिएगा, FPS को आपको 60 करके और सिंपल यहाँ पे डाउनलोड के आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और कर लेने के बाद आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा आपके गैलरी के अंदर। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।